आज सावन का पहला सोमवार है और भक्ति के रंग में रंग चुका है पूरी जगत। आज हम आपके लिए दो बड़ी ही खुशखबरी लेकर आए हैं, एक खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए और दूसरी पवन सिंह के फैंस के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवन सिंह का बोलबम का गाना रिलीज हो चुका है और भाई ये क्या, 4 घंटे में 3.5 लाख व्यूज और 47K लाइक्स, जी हाँ 47,000 लाइक। और वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव का भी गाना रिलीज हो चुका है, भोले बाबा खेले पबजी। और आपको बता दें कि इसके लाइक्स पवन के गाने के लाइक्स से थोड़ा कम है, 43K यानी कि 43,000। अब आपको बताते हैं कि किसका गाना कितना बेस्ट है। वैसे पवन सिंह के गाने को लोग ज़्यादा बेहतर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब लोग खेसारी के गाने को ये कहने लगे हैं कि आप म्योगी खेले पबजी की सफलता से भाई इंस्पायर होके भोले बाबा को आप क्यों खिला रहे हैं पबजी, पबजी क्या भोले बाबा खेल सकते हैं। वैसे भोले बाबा और पबजी का कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन अगर पवन के बोलबम की बात करें तो पवन सिंह के बोलबम गाने को लोग ज़्यादा इसलिए पसंद कर रहे हैं कि इसमें जो दीवाना वर्ड लग गया है ना, कि भोले बाबा का दीवाना, इसमें जो दीवाना वर्ड लग गया है ना वो दिल को टच कर जा रहा है और इसके लिरिक्स भी अच्छे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि अखिलेश कश्यप, जी हाँ जिन्होंने ये गाना लिखा है, वो ज़्यादातर गाने खेसारी के एल्बम के लिए लिखते थे और लगातार उन्होंने पिछले साल बोलबम से हो या फिर नवरात्रि के सभी गाने खेसारी के लिए लिखे, लेकिन इस साल पहली बार उन्होंने पवन सिंह के लिए गाना लिखा और वो भी बहुत ही धमाकेदार। अब ये होड़ मची है कि किसका गाना कितना ज़्यादा बार सुना जाएगा, कितनी ज़्यादा बार लाइक आएगी और किसके गाने को कितना व्यूज़ मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे और बहुत जल्द देंगे, जैसे ही इन दोनों में से किसी का भी गाना 1 मिलियन 2 मिलियन या 3 मिलियन यानी दिन भर में जैसे ही पहुंचता है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किसके गाने को ज़्यादा पसंद किया गया, किसके गाने में ज़्यादा लाइक आए और किसके गाने को लोग सुनने के बाद झूम रहे हैं। तो यकीन कीजिए इस बार अभी तक तो पवन बाजी मार रहे हैं लाइक्स के हिसाब से, और व्यूज़ के हिसाब से बात करें तो यहाँ खेसारी लाल यादव आगे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना 1 घंटा पहले निकला है और पवन सिंह का गाना 1 घंटा बाद। देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों के गानों में से एक दिन में किसे सबसे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स मिलते हैं।